दोस्तों मुझे मालूम है कि सभी भारतीयों की तरह आप लोगों का भी एक सपना है। वह सपना है भारत की खुद का एक एरो इंजन हो, जिसके लिए भारतीय रिसर्च एजेंसी सालों से माथापच्ची कर रहा है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारतीय वायुसेना के अमका जेट के लिए DRDO से एक स्वदेशी इंजन मांगा है। हमने यह भी वादा किया था कि नए इंजन के बारे में कोई भी जानकारी आए तो आप लोगों से तुरंत शेयर करेंगे। आज कुछ नई जानकारी के साथ आए हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए। दोस्तों आप देख रहे हैं रणनीति। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि इस चैनल में अपलोड किया हुआ कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। DRDO ने कुछ वक्त पहले भारतीय प्रतिरक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में एक नए आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन विकसित करने की परियोजना को शुरू करने की अनुमति मांगा गया है। इस नए इंजन परियोजना कावेरी इंजन परियोजना की उत्तराधिकारी होगी। कावेरी इंजन जरूरत के मुताबिक प्रदर्शन ना कर पाने की वजह से इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया है। अभी नए परियोजना के लिए DRDO ने रक्षा मंत्रालय से नए फंडिंग मांगी है। विदेशी कंपनियों साथ संयुक्त प्रयास के जरिए इंजन के मूल तकनीक पाने की आशा पूरा ना होने से DRDO अभी इस नए परियोजना को शुरू करना चाहती है। अमका को मद्देनजर रखते हुए नए इंजन का डिजाइन किया जाएगा। इस परियोजना संपूर्ण रूप से नए होंगे। कावेरी इंजन से कोई भी तकनीक इस नए इंजन में लिया नहीं जाएगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय चाहता है कि DRDO पहले साबित करे कि वह एक नए इंजन डिजाइन करने की काबिल है। पहले एक छोटा इंजन को बनाए और उस प्रक्रिया के तहत अगली पीढ़ी के एक संपूर्ण इंजन विकसित करे। एरो इंजन के अंतर्भाग को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के मिश्र धातु की जरूरत होती है। रक्षा मंत्रालय ने 2018 में ही इस मिश्र धातु के ऊपर रिसर्च के लिए फंडिंग कर दिया है। DMRL को इस विशेष मिश्र धातु को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में उपयोग के लिए 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एक ड्राई इंजन बनाने के लिए 1068 करोड़ रुपए दिया गया है। यह इंजन कावेरी इंजन से भी ज्यादा उच्च तकनीक वाला होगा। ऐसे ही छोटी छोटी प्रोजेक्ट के जरिए रक्षा मंत्रालय भारत के लिए एक नए इंजन बनाने के कोशिश में जुटे है, जो कावेरी इंजन के नेक्स्ट जनरेशन होगा। उम्मीद है आप लोगों का सपना 2027 में जरूर पूरा होगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।